आपको हम बताएं गाजर वाली पूड़ी बनाना, जिसके लिए मैंने 3 गाजर ले ली है और इसे मैंने बॉईल कर दिया है। हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा सा हम जीरा ऐड करेंगे ताकि इसे हम पूरे इसके साथ ग्राइंड कर लें, अच्छे से पेस्ट बन जाए। मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, 1 चम्मच, और मैंने जो प्यूरी बना ली है उससे हम गूंथेंगे। एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाइएगा, ज़रूरत पड़ेगी तब मिलाएंगे हम, और इसे अच्छे से डो बना लेंगे। हमने अपने आटे को मसल कर अच्छे से गूंथ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी लोई बनाना। लोई आप जिस साइज की बनाना चाहें बना लीजिए। उसके बाद अपनी पूड़ियों को बेलिए। लोई बना ली है, अब हम स्टार्ट करेंगे पूड़ी बेलना। पूड़ी जिस भी साइज की चाहें हम बेल लें, और अपनी सारी पूड़ी हम इस तरह बेलकर फिर तलेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, धीमे धीमे इसमें पूड़ी ऐड करेंगे। हम अपनी पूड़ियों को अच्छे से सेकेंगे, गुलाबी होने तक। देखिए पूड़ी हमारी काफी अच्छी फूल रही है। इन पूड़ियों को हम इस तरह निकालेंगे ताकि हमारा ऑयल पूरी तरह निथर जाए। अब हम दूसरी पूड़ी डालेंगे। मैंने अपनी गाजर से बनी टेस्टी एंड डिलीशियस पूड़ी सर्व कर दी है। अगर आपको हमारे गाजर की पूड़ी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।